हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 32 ऑफ भारतीय न्याय संहिता सो कल की क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था इन द लास्ट क्लास हमने जो प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में वी आर रिज्यूमिंग विद <clears throat> न्यू uh, चैप्टर एक नया पार्ट uh, हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता का विच इज अबेटमेंट ठीक है जो कि इसके पहले चैप्टर uh, अलग हुआ करता था अब इसका चैप्टर बदला जा चुका है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में और राइट हाई यश वेरी गुड इवनिंग नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास सो गाइज आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं अगर आप यूज करते हो तो सो so दैट अगर आपका कोई भी सवाल हो कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो सो so उसे आप यहां पे पूछ पाए एंड जो भी मेरे यूट्यूब के सेशन होते हैं उनकी अपडेट आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी हाय जोहरुद्दीन हाय ज्योति हाय नीलेश हाय लव वेरी गुड इवनिंग इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा गाइस कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एक नया लाइफ फाउंडेशन बैच है बैच नंबर जो कि स्टार्ट होने जा रहा है कब से एक तारीख से यानी कि फर्स्ट ऑफ मार्च से सो अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी भी स्टेट जुडिश्री एग्जामिनेशन को देन आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं जहां पे आपको प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है दैट टू इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बोथ और बैच का जो प्राइज है वो वही है चौबीस जहां पे पूरे दो सालों के लिए बैच आपको दिया जाता है सो so, एक बार सेशन के एंड में में मैं आपको बता कि बैच बैच पे है, है, कैसे करना है, और क्या क्या चीजें बैच so, नहीं कमिट होने के बाद नहीं कर सकते यू कैन डू इट व्हेन देर इज अ डेंजर ऑफ रेप एप्रिहेंशन ऑफ रेप यू ठीक है सो so, अबेटमेंट की जब हम बात करते हैं अबेटमेंट इससे पहले इंडियन पिनल कोड में हम पढ़ा करते थे सेक्शन नंबर 107 के अंदर में जहां पे हमको सारी चीजें जो हैं वो आ, बताई गई थी ठीक है कि अबेटमेंट किन किन तरीकों से हो सकता है ठीक है अबेटमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन वगैरह भी हैं अब जब आप अबेटमेंट को देखते हैं तो अब अबेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कहां पे चैप्टर नंबर फोर के अंदर में जिसमें सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव यानी कि सेक्शन नंबर 45 यहां पे आपका क्या हो चुका है अब अबेटमेंट का सेक्शन यहां पे हो चुका है ठीक है देखिए सबसे पहले तो यहां पे ये यह समझ लेते हैं कि अबेटमेंट का जो ये स्टार्टिंग का पार्ट होता है मतलब जो आ, किसी भी सेक्शन 107 सौ सात देखो या सेक्शन नंबर 45 देखो इन दोनों ही सेक्शन में जो ये स्टार्टिंग का पार्ट है ये आपको बताता है अबेटमेंट की कोई डेफिनेशन यहां पे नहीं बताई गई है ये आपको ये बताता है कि अबेटमेंट किन तरीकों से किया जा सकता है ठीक है तो अबेटमेंट करने के यहां पे आपको तीन तरीके बताए जाते हैं अब तीन तरीके यहां पे क्या बताए जाते हैं तो सेक्शन में लिखा है कि देखिए किसी भी पर्सन ने किसी ऑफेंस को करने के लिए अबेटमेंट किया है ऐसा हम कब बोलेंगे ऐसा हम तब बोलेंगे अगर आपने इन तीन में से दी गई कोई सी भी एक चीज की हो या फिर दोनों चीजों दो चीजें की हो या फिर तीनों की तीनों चीजें आपने यहां पे की हो ठीक है अब अबेटमेंट करने के तीन तरीकों में सबसे पहला तरीका क्या आ जाता है सबसे पहला तरीका आ जाता है Instigates any एनी पर्सन टू डू दैट instigate वर्ड का मतलब क्या होता है instigate वर्ड का मतलब होता है किसी भी पर्सन को उकसाना उसको प्रोवोक करने की कोशिश करना जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड मेरी आंखों के सामने एक बिल्डिंग से कूदने जा रहा है ठीक है मेरा एक फ्रेंड एक बिल्डिंग के एज पे खड़ा हुआ है छत के एकदम छज्जे पे खड़ा हुआ है ठीक है एज पे खड़ा हुआ है और वहां से वो कूदने जा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं मरना चाहता हूं मैं अब जीना नहीं चाहता ठीक है वहां पे मैं खड़े होके देख रही हूं उसे कि वो कूदने की यहां पे पूरी तैयारी कर रहा है अब वहां पे खड़े खड़े कायदे से मेरा काम क्या बनता है मेरी ड्यूटी यहाँ पे क्या बनती है कि मुझे उस इंसान को रोकना चाहिए मुझे उसको समझाना चाहिए मुझे उसको वापस लेके आना चाहिए कि नहीं भाई ये गलत चीज है, पे, पे है कूद जा तेरे जीने का कोई मतलब नहीं है तेरे को मरी जाना चाहिए तू अपने घर वालों को भी परेशान करता है कूद जा कूद जा खुद से नहीं कूदते बन रहा तो आ मैं तेरे को आके यहाँ पे धक्का दे देती हूं अब ये मैंने यहाँ पे क्या किया ये मैंने यहाँ पे एक तरीके का इंस्टिगेशन किया है Instigation मतलब किसी भी इंसान को उकसाना, उसको प्रोवोक करने की कोशिश करना, तेरे बारे में क्या क्या, क्या गंदी गंदी बातें यहां पे बोल रहा था ठीक है अब तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बोले कि अच्छा ऐसे बोल रहा था तो मुझे क्या करना चाहिए तो तुम उसको बोलो कि यार मैं अगर तेरी जगह होता ना तो मैं यहाँ पे चाकू लेके उसका मर्डर कर देता जाके और तुझे भी मेरे हिसाब से यही करना चाहिए अब सामने वाला अभी तक ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा था उसके माइंड में ऐसा कुछ था भी नहीं कि मेरे को मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत बोला जिसने गलत बोला मुझे उसका जाके मर्डर कर देना चाहिए तुमने उसके माइंड में ये आइडिया प्लांट कर दिया तुमने उसको उकसा दिया कि तुझे जाके किसी का मर्डर कर देना चाहिए क्योंकि उससे तेरे बारे में कुछ गलत यहां पर बोला तो किसी भी इंसान को भड़काना उसे प्रोवोक करना उसे इंसाइट करना यह एक तरीका हो जाता है आपके अबेटमेंट का यह पहला तरीका बताया गया है सेक्शन नंबर पैतालीस के अंदर में दूसरा तरीका किस बारे में बात करता है दूसरा तरीका बात करता है कॉन्स्पिरेसी के बारे में मतलब तुम अगर किसी के साथ मिलके किसी ऑफेंस को करने के लिए जाओ आप किसी के साथ अगर इंगेज करो तो इंगेजेस विद वन और मोर देन अदर पर्सन मतलब एक या एक से ज्यादा आदमी के साथ अगर आप जाके इंगेज करते हैं और कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं किसी एक्ट को करने की या फिर किसी इलीगल एक्ट को करने की ठीक है या किसी ऑफेंस को यहां पे करने की तो इंगेजिंग या कॉन्स्पिरसी का मतलब क्या हो गया साथ में मिली भगत के साथ प्लानिंग करना तो आपका मान लेते हैं कि आप एक घर में नौकर हैं आप एक घर में एज अ सर्वेंट आप काम करते हैं ठीक है थीके? और आपने अपने दोस्तों के साथ यहां पे मिलके एक प्लान बनाया कि मैं रात में क्या करूंगा मैं रात में अपने घर का जो मेरे मालिक का घर है उसका दरवाजा उसका मेन डोर में खुला छोड़ दूंगा तो तुम लोग आना और तुम लोग आके मेरे मालिक का मर्डर कर देना और चोरी चकारी करके वहां पर भाग जाना ठीक है तो यहां पर मैंने क्या किया है ठीक है यहां पे मैंने इंगेज किया है यहां पे मैं उनके साथ ना डिस्कशन कर रही हूँ मैं उनके साथ यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कर रही हूं एक से या एक या एक से ज्यादा आदमी के साथ और हम मिलके क्या कर रहे हैं यहां पे कॉन्स्पिरसी बना रहे हैं हम मिलकर पूरा यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं कि हम ऐसे ऑफेंस करेंगे हम वैसे वहां पर ऑफेंस करेंगे ठीक है तीसरा तरीका यहाँ पे क्या बताया गया है तीसरा तरीका आपको बताया गया है कि जब आप इंटेंशनली जान के किसी आदमी को एड करते हैं यानी कि आप किसी पर्सन की अगर मदद करते हैं किसी को अगर आप सहायता करते हो तो जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को बोला आपके फ्रेंड ने आपको आके बताया ठीक है कि आ, मैं जो है एक आदमी का मर्डर करना चाहता हूं लेकिन मुझे अकेले करने की ना हिम्मत नहीं हो रही है कि मतलब मैं कैसे उसके घर में घुसूं चोरी छुपे फिर मैं मॉर्डर करके वहां से भागूं भी कैसे कि कोई मुझे वहां पे देखना ले तो आपने अपने फ्रेंड को यहाँ पे आइडिया दिया कि तू एक काम कर मैं तेरे को गाड़ी में ड्राइव करके लेके जाता हूं उसके घर तक तू अंदर जाना मर्डर करके आना और हम जल्दी से दोनों गाड़ी में बैठ के वापस से भाग जाएंगे अब यहां पे आपने क्या किया है यहां पे आपने एक पर्सन की मदद की है एक तरीके से आपने उसको एड किया है आपने उसकी सहायता की है किसी ऑफेंस को यहां पे करने के लिए तो तीन तरीके यहां पे आपको क्या बता दिए गए अबेटमेंट करने के करने के तीन तरीके होते हैं एक अगर आप किसी इंसान को यहां पे उकसाते हो आप उसको इंस्टिगेट करते हो प्रोवोक करते हो कोई चीज करने के लिए दूसरा आप उसके साथ मिलके प्लानिंग करके कोई ऑफेंस जो है वो करने के लिए जाते हो यानी कि आप कॉन्स्पिरसी करते हो इंगेज करते हो और तीसरा अगर आप किसी भी तरीके से उसकी मदद करते हो आप उसकी यहां पर सहायता करते हो अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है इंस्टिगेशन में कई बार देखिए क्या लगता है ये ना रिसेंटली कई बार का, काफी सारे जजमेंट्स भी आए हैं इस चीज के ऊपर कई बार देखिए क्या होता है कि आपने मान लेते हैं किसी इंसान को बोला कि भाई मैं जाके मर जाऊंगी ठीक है मतलब मान लेते हैं हस्बैंड हस्बैंड वाइफ वाइफ है का आपस में झगड़ा चल रहा है और पत्नी जो है वो पति से कहती है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा परेशान हूं कि मैं जाके मर जाऊंगी मैं जाके आत्महत्या कर लूंगी पति भी गुस्से में था पति भी गुस्से में आके कह देता है कि हाँ ठीक है जाके मर जा तू मर जाए तो ज्यादा बेटर है अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इसे इंस्टीगेशन नहीं माना जा सकता ठीक है पहली बात तो क्योंकि पति के माइंड में ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं पति ऐसा चाहता नहीं है कि उसकी पत्नी जाके मर जाए गुस्से में आदमी कह देता है कई बार कि मर जा जाके तुझे मर जाना चाहिए तो इसे इंस्टीगेशन नहीं माना जाता इंस्टिगेशन है जब आप प्रॉपर तरीके से किसी को उकसाओ किसी को प्रोवोक करो किसी के माइंड में इस तरीके के ख्याल डालो कि हां तुझे ऐसा कर लेना चाहिए तुझे इस तरीके से ऑफेंस कर लेना चाहिए आप किसी को आइडियाज वगैरह यहां पे दो तो इसे बोला जाता है आपका इंस्टिगेशन ठीक है अब सेक्शन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे आपको बताए गए हैं जैसे कि अब सेक्शन का जो पहला एक्सप्लेनेशन है तो पहला एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे क्या बताता है ये आपको एक सिचुएशन के बारे में बताता है सिचुएशन सिचुएशन यहां यहां पे पे क्या है है ये हो जाती है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में पता होता है जैसे कि एक एग्जाम्पल यहां पे हम ले लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल हम यहां पर ये लेते हैं कि आपका एक फ्रेंड है ए ठीक है आपका एक फ्रेंड है यहाँ पे ए, ये अभी अभी मर्डर करके भागा है और आपने इसको अभी अपनी आंखों के सामने से भागता हुआ देखा है तो आप खड़े हुए थे ठीक है आपका फ्रेंड अभी अभी, अभी आपके सामने सामने आपकी आंखों के सामने से निकला इसके आ, जो कपड़े थे वो खून से सने हुए थे ठीक है इसके हाथ में एक आ, वेपन वगैरह भी था ठीक है और वो ऐसा हड़बड़ाता हुआ तुम्हारे सामने से से भागता हुआ निकला तुमको बताता हुआ कि यार मुझसे गलती से एक आदमी मर गया ठीक है तो तुमने उसको बोला ठीक है जल्दी तू जा जाके भाग जा छुप जा कहीं पर जाके है ना अभी, थोड़ी देर के बाद क्योंकि तुम्हारे दोस्त का पुलिस जो है वो पीछा कर रही थी तो थोड़ी देर के बाद पुलिस आती और पुलिस पुलिस आती है है और और तुमको देखती और पुलिस तुमसे पूछा कि भाई तूने किसी को पे भागते हुए देखा किसी को देखा जो किसी का मर्डर वगैरह करके यहां पे जा रहा हो अब यहां पे क्या है यहां पे आपके पास एक मटेरियल फैक्ट है आप एक मर्डरर को जानते हैं आपको एक मर्डर के बारे में पूरी सूचना है पूरी जानकारी है और कायदे से कानून ये कहता है कि भाई पुलिस वाला तुमसे पूछ रहा है तो यू आर बाउंड टू डिस्कलोज दैट थिंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी जिम्मेदारी है यहां को यहां पर तुम उस चीज को यहां पे डिस्क्लोज करो तुम उस चीज को यहां पे जो है बताओ तुम उस चीज को यहां पे सामने वाले को इन्फॉर्म करो ठीक है तो यहां पे अब आपने क्या किया है आपने उस चीज को मिसरीप्रेजेंट कर दिया जेंट करने का मतलब क्या है कि आपने या फिर आपने उस चीज को कंसील कर लिया मतलब आपने मान लो कि किसी पर्सन को बोल दिया आपने पुलिस वाले को यहाँ पे बोल दिया कि नहीं वो यहाँ पे नहीं है वो उधर भागता हुआ गया है हाँ मैंने एक आदमी को देखा तो था वो उधर भागता हुआ गया है या तुमने झूठ बोल दिया पुलिस वाले से कि नहीं भाई हमने तो किसी को नहीं देखा हमारे सामने तो कोई भी यहां से नहीं निकला तो इसे क्या बोला जाएगा इसे यहां पे बोला जाएगा कि भाई आपने क्या किया है अबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन किया है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन मतलब जो हमने अभी पढ़ा कि अबेटमेंट करने के तीन तरीके होते हैं पहला है इंस्टिगेशन दूसरा है कॉन्स्पिरेसी और तीसरा हो जाता है आपका, हो जाता है आपका आ, गई, आ, तीसरा हो जाता है आपका ये सॉरी मैं खुद ही भूल गई तीसरा हो जाता है आपका इंटेंशनल एडिंग ठीक है तो यहां पे जो ये पहला वाला पॉइंट है ये आपको बोलता है कि आपने यहां पे क्या किया है आपने यहां पे इंस्टिगेशन किया है इंस्टिग, अबेटमेंट इंस्टिगेशन आपने यहां पे किया है मतलब इन्होंने एक सिचुएशन यहां पे आपको बताने की कोशिश की है कि अगर किसी आदमी को किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज होती है आपको कंसील आप करने की उसको दबाने की कोशिश करते हो तो इसको भी क्या बोला जाता है इसको अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन की कैटेगरी में यहाँ पे डाला जाता है जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई ए एक पब्लिक ऑफिसर है है ना ए आपका एक पुलिस वाला है अब इसके पास एक वारंट है जहां पे कोर्ट ने इसको बोला है कि भाई तुमको जेड पर्सन को पकड़ के लेके आना है अब बी जो है वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि सी जो है वो जेड नहीं है लेकिन बी को क्योंकि बदला लेना था सी नाम के पर्सन से तो बी ने यहां पे क्या किया बी ने यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया बी ने पुलिस ऑफिसर को बोला ए को बोला कि हां सी ही वो पर्सन है जिसको आप ढूंढ रहे हैं सी ही जेड है ये वही पर्सन है जिसका अरेस्ट का वारंट है आपके पास तो आपने यहाँ पे क्या किया आपने यहाँ पे एक निर्दोष आदमी को अरेस्ट करवा दिया अब यहाँ पे आपने क्या किया है आपने एक विलफुल कंसीलमेंट यहाँ पे किया है आपने एक मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया है आपको एक आपको नॉलेज थी आपके पास एक मटेरियल फैक्ट है आपको पता है कि ये वो पर्सन नहीं है जिसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ रही है तो उस चीज को बताने की बजाय आपने गलत इंसान को यहां पे अरेस्ट करवा दिया तो आपने पहली कैटेगरी वाला अबेटमेंट अबेटमेंट किया किया है है आपने आपने बाय यहां पे किया है, जहां पे जहां किसी तरीके से बोल सकते हैं कि सामने वाले को प्रोवोक किया आपने उसको इंसाइट किया आपने किसी तरीके से उसको एक गलत चीज को करने में मदद की है यहां पर ठीक है इसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर टू है अब एक्सप्लेनेशन नंबर टू आपको क्या चीज बताता है यह कहता है कि हुएवर कोई भी पर्सन किसी ऑफेंस को करने के पहले या फिर करने के वक्त यानी कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट डनी थिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट एंड फैसिलिटेट द कमीशन इज सेट टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग अब यहां ये यह क्या बोल रहे हैं यहां यह हैं, अगर मैं सिंपल तरीके से एग्जाम्पल एक एक के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं मान लेते हैं कि आपके एक फ्रेंड ने आपसे आके डिस्कस किया और आपको आके बताया कि भाई मैं किसी का मर्डर करने के बारे में सोच रहा हूं ठीक है तो तुमने एज अ फ्रेंड उससे पूछा कि भाई अच्छा किसका मर्डर कर रहा है और कैसे मर्डर करने के बारे में प्लान कर रहा है तो उसने तुमको बताया कि मैं सोच रहा हूं कि एक रामपुरी चाकू लेके आता हूं धारी वाला और अगले पर्सन के घर पे जाऊंगा और उसके पेट में जाके घोप दूंगा ठीक है तो तुमने उसको बोला कि अच्छा रुक मेरा एक फ्रेंड है डीलर फ्रेंड है जो रामपुरी चाकू मैन्युफैक्चर करता है तो मैं काम करता हूं मैं रामपुरी चाकू लेके आके उससे तुझे लाके दे देता हूं और फिर तू जाके जिसका भी मर्डर कर रहा है वो जाके मर्डर कर देना अब यहां पे क्या हुआ है यहां पे आपने प्रायर टू मतलब ऑफेंस हो रहा था जब मर्डर होगा उसके पहले आपने क्या किया है मर्डरर की मदद की है एक्यूज की आपने यहां पे मदद की है ठीक है या फिर लेट्स से कि जब ऑफेंस हो रहा था अब लेट से कि आपके फ्रेंड ने जाके किसी का मर्डर कर दिया अब मर्डर करने के बाद उसको समझ में ना आए कि अब मैं डेड बॉडी का यहां पे क्या करूं इसको कहां पे जाके मैं छुपाऊं इसको कहां जाके गाड़ दूं या इसके टुकड़े करके कहीं पे फेंक दूं तो उसने तुमको कॉल करके बुलाया तुम कॉल करके वहां पे पहुंचे अब तुम्हारा फ्रेंड तुमको बोल रहा है कि भाई मैंने मर्डर तो कर दिया लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां पे डेड बॉडी का करूं क्या मैं इसको छुपाऊं यहां पे कैसे ठीक है तो अब एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट मर्डर को डेड बॉडी को छुपाना भी तो अपने आप में एक ऑफेंस है ना सबूत गवाह करना एविडेंस को जो है वो गायब करना ठीक है तो डेड बॉडी को छुपाना मर्डर वेपन को छुपाना भी अपने आप में एक ऑफेंस है तो अब तुमने वहां पे क्या किया तुमने अपने फ्रेंड की मदद की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में और मर्डर वेपन को यहां पर छुपाने में तो अभी आप यहां पर क्या कर रहे हो आप कमीशन होते समय ऑफेंस होते समय आप सामने वाले इंसान की मदद करने की यहां पे कोशिश कर रहे हो यानी कि आप फैसिलिटेट कर रहे हो ना सामने वाले की किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे हो तो यहां पे आपको यह बताता है कि देखो तुम ऑफेंस करने के पहले मदद करो या तुम ऑफेंस करते समय मदद करो तुमने ऑफेंस करने के लिए किसी को चाकू लाके दे दिया तो तुमने ऑफेंस होने के पहले मदद कर दी या जब ऑफेंस हो रहा था मतलब जब डेड बॉडी का मर्डर हो गया था और डेड बॉडी को ठिकाने लगाया जा रहा था या डेड बॉडी का मर्डर वेपन छुपाया जा रहा था तुमने उस समय पे उसकी मदद कर दी तो ये दोनों ही केसेस किसमें कवर किए जाएंगे इंटेंशनल एडिंग में कवर किए जाएंगे एडिंग मतलब तुमने किसी ना किसी तरीके से दोनों सिचुएशन में क्या किया है सामने वाले की सहायता की है उसकी मदद की है पहले वाले केस में तुमने उसको चाकू इलाके दे दिया दूसरे वाले केस में तुमने उसको डेड बॉडी छुपाने में और मर्डर वेपन को ठिकाने लगाने में आपने मदद की तो जहां पर आपने सामने वाले पर्सन की मदद की है अब देखिए अगर आप अबेटमेंट का वही बात है जैसे कि हमने कॉमन इंटेंशन के टाइम पे पढ़ा था वही बात वही लॉजिक यहां पे भी आ जाता है कि एक्जैक्टली exactly अबेटमेंट को क्यों पनिश करते हैं तो देखो कानून ये कहता है लॉ ये कहता है कि ऑफेंस करने वाला हो सकता है एक हो अब इस वाले केस में मर्डर करने वाला पर्सन एक है लेकिन हो सकता है पीछे से लोगों ने उसकी मदद की हो एक ने डेड बॉडी छुपाने में मदद की हो ठीक है एक ने एविडेंसेस को छुपाने में मदद की हो एक ने उसको मर्डर का वेपन ला के दिया हो एक ने उसको वहां पहुंचने में मदद की हो जहां मर्डर हो रहा था किसी ने उसको वहां से लेके आने की मदद की हो तो कानून का यह मानना है कि देखो मेन मेन एक्ट करने करने वाला करने वाला मर्डर आदमी तो एक है लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं ना तो वही बात आ जाती है कि अगर वो आदमी अकेला होता तो शायद मर्डर करने के बारे में ना सोचता या मर्डर करने के बारे में सोचता तो अपने आइडिया को ड्रॉप कर देता कि भाई ये करना बेटर नहीं है क्योंकि मैं कैसे करूंगा सारी चीजें क्योंकि अकेले आदमी में उतनी हिम्मत नहीं होती ना अकेला आदमी ऑफेंस करने के पहले सौ सो बार सोचता है कि मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा लेकिन जहां तुम्हारे साथ एक आदमी दो आदमी तीन आदमी चार आदमी जुड़ता चला जाता है उतनी आपकी हिम्मत बढ़ने लगती है तो कानून ये कहता है लॉ ये कहता है कि देखो हमें सिर्फ उसको पनिश नहीं करना है जो एक्चुअल में ऑफेंस यहां पे कर रहा है जिसने एक्चुअल में मर्डर किया है या जिसने चोरी चकारी की है हमें उन सबको पनिश करना है जिसने उस आदमी की मदद भी की है किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी मदद का मतलब क्या है मदद करने का मतलब या तो तुमने उसके दिमाग में आइडिया डाला कि तेरे को चोरी करनी चाहिए या तेर को मर्डर करना चाहिए तो ये हो जाएगा इंस्टिगेशन या तुमने उसके साथ मिलकर प्लानिंग की कि मर्डर कैसे करना है चोरी कैसे करनी है तो ये हो जाएगी कॉन्स्पिरसी तीसरा जब वो मर्डर कर रहा था या चोरी कर रही कर रहा था तो तुमने जाके उसकी मदद कर दी किसी ना किसी तरीके से यहां पे तो जब एक क्राइम में अलग अलग लेवल से अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग एसोसिएट हो जाते हैं और ये बहुत सारे लोग जो है ना ये हो सकता है कि वहां पर क्राइम के वक्त मौजूद ना हो क्राइम होते समय मौजूद ना हो इन्होंने क्राइम होने के पहले या क्राइम होने के बाद यहाँ पे जो है किसी ना किसी तरीके से मदद की है तो भाई जिस हिसाब से तुमने मदद की है उसके लिए कुछ तो सजा तुमको मिलेगी ना हम तुम्हें मर्डर की सजा नहीं देंगे लेकिन मर्डर करवाने में तुमने यहां पे किसी ना किसी तरीके से तो मदद की है ना तो ऐसे में जो जो लोग किसी भी क्राइम या किसी भी ऑफेंस से कनेक्टेड है जिनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है तुमने कुछ ना कुछ हेल्प वहां पर की है तो भाई तुमको भी तो पनिश किया जाना चाहिए तुमको यहाँ पे क्यों छोड़ दिया जाए क्योंकि तुम शायद नहीं होते तो एक बार के लिए सामने वाला क्राइम करने के बारे में ना सोचता या अपने को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हो सकता है ऑफेंस को करने का तो इसलिए अबेटमेंट की जो लाइबिलिटी है वो इसी प्रिंसिपल पे चलती है कि देखिए शायद देश में दुनिया में बहुत सारे ऑफेंसेस ना होते बहुत सारे क्राइम ना होते अगर वहां पे सपोर्ट ना मिला होता आपको किसी ना किसी पर्सन का इंकरेजमेंट जो है वो ना मिला होता अगर किसी ने आपके साथ कॉपरेट ना किया होता क्राइम करने में तो शायद बहुत सारे क्राइम जो हैं वो हमारे देश में रुक जाते नहीं होते ठीक है लेकिन क्योंकि तुमने हौसला दिया क्योंकि तुमने सपोर्ट किया क्योंकि तुमने यहां पे मदद की तो ऐसे में कानून ये बोलता है कि भाई तुम्हारे उस हौसले और सपोर्ट का भी तो कुछ पनिशमेंट होना चाहिए ना तो तुम, या तुमने सामने वाले को, को कोई आइडिया दिया उसके माइंड में तुमने कोई उसको क्या बोलते हैं आइडिया दे दिया मर्डर करने का तो आइडिया देने की सपोर्ट करने की प्लानिंग करने की भी तो कोई पनिशमेंट होनी चाहिए ना भले ही तुमने मेन ऑफेंस नहीं किया बट कहीं ना कहीं तुम्हारा रोल था ऑफेंस करने के लिए और इसी वजह से अबेटमेंट का रूल ये कहता है कि भाई अबेटमेंट होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए एक तो पर्सन होना चाहिए भाई कोई तो अबेट करेगा ना मतलब कोई कोई तो पर्सन तो चाहिए तो मेन तो हमको एक अबेटर चाहिए दूसरा तुमने यहां पर अबेट करा होना चाहिए अब अबेट यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अबेट जो है वो तीनों तरीकों से यहां पे हो सकता है ठीक है तो तुम्हारा अबेट करना जरूरी है तुम तुम कैसे भी करो तुम सामने वाले के दिमाग में आइडिया तुम बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं पुश करके करो कि हाँ तू बहुत अच्छा काम कर रहा है तेरे को यही करना चाहिए तू कर मैं तेरे साथ हूं मैं तेरे डिसीजन को सपोर्ट करता हूं तो आपने उसको इंस्टिगेट किया हो प्रोवोक किया हो या आपने उसके साथ प्लानिंग की हो ठीक है या फिर आपने उसकी किसी और तरीके से मदद की हो आपने उसको कुछ ला सामान सप्लाई कर दिया हो ठीक है तो दूसरा तुमने अबेट किया होना चाहिए और तीसरा तुमने जिस चीज को अबेट किया है वो एक ऑफेंस होना चाहिए अब सीधी सी बात है कि आप अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं आप किसी इंसान को बोलते हैं कि तेरे को जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए तेरी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी और तेरे को एग्जाम क्रैक करना चाहिए सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी तो सीधी सी बात है कि यह अबेटमेंट नहीं है क्योंकि ये अबेटमेंट जो किया गया है यहां पे जो इंस्टिगेशन प्रोवोकेशन किया गया है वो किसी ऑफेंस को लेके नहीं किया गया है तो आपको जिस चीज के लिए अबेट किया गया हो आपके साथ जिस चीज की कॉन्स्परेसी की गई हो आपको जिस चीज के लिए मदद की गई हो या आपको जिस चीज के लिए उकसाया गया हो वो एक ऑफेंस होना चाहिए यानी कि कानून उसको एज अ ऑफेंस रिकॉग्नाइज करा होना चाहिए ठीक है तो अबेटमेंट के क्या हो जाते हैं ये एसेंशियल्स आपके निकल के आ जाते हैं अब देखो जैसे कि अबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन को अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो अबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन के बहुत तरीके होते हैं लाइक आई सेड कि भाई किसी इंसान को इंसाइट करना अर्ज करना इनकरेज करना उसको आइडियाज देना उसको प्रोवोक करना उसके माइंड में अलग अलग ख्याल डालना ये सब कुछ आपका किस में आता है इंस्टिगेशन में आता है एंड लाइक आई सेड ठीक है कि एडवाइस जो होती है ठीक है एडवाइस जो होती है वो इंस्टिगेशन के अंदर में नहीं आती है मतलब ऐसा नहीं है ना कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया कि एक वाइफ है ठीक है वो आ, अपने हस्बैंड को अगर बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं जाके आत्महत्या यहाँ पे करने वाली हूं ठीक है और पति बोले कि हाँ तू आत्महत्या कर ले तेरी वही करना बेटर है तेरे लिए भी खुशी और मेरे लिए भी खुशी अब यहां पे एक तरीके से हस्बैंड सलाह दे रहा है कि तेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए लेकिन एक्टिवली नहीं दे रहा है एक्टिवली का मतलब कि भाई वो ऐसा चाहता नहीं है कि पत्नी ऐसा सच में सच में कर ले या उसके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि जान पूछ के कर रहा है कि हाँ इसको सुसाइड कर लेना चाहिए तो सलाह देना या ऐसे गुस्से में आके कुछ बोल देना ये इंस्टिगेशन नहीं होता है जब तक आपके माइंड में ऐसा हो ना कि आप चाहते हो कि सामने वाला सच में ऐसा कर ले और आपने पूरे फोर्स के साथ पूरी एनर्जी के साथ तुमने सामने वाले को उकसाया उसको प्रोवोक किया उसके माइंड में ख्याल डाले कि भाई ये ऐसा ही कर ले तब तक वो इंस्टीगेशन नहीं माना जाएगा ठीक है तो मेयर एक्विजेंस नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन जैसे मैंने आपको बोला कि ए जो है वो बी से कहता है कि मैं सी को जाके मार दूंगा है ना और बी जो है उसको कहता है कि तेरे को जो करना है तू कर मारेगा तो फिर जेल जाने के लिए भी तैयार रही हो

अब क्वीन वर्सेस मोहित के केस में आपको एक तरीका बताया गया है अबेटमेंट करने का अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का एक तरीका बताया गया है ठीक है अब ये तरीका क्या कहता है ये तरीका कहता है जैसे आप सबको पता होगा कि पहले के समय में पहले के टाइम में क्या हुआ करता था सती प्रथा हुआ करती थी ठीक है सती की प्रैक्टिस हुआ करती थी सती की प्रैक्टिस में क्या होता था कि भाई अगर किसी भी महिला का हस्बैंड मर जाता था किसी भी महिला का अगर पति ऑफ हो जाता था तो पति की जो चिता होती थी जो पति का क्रियाक्रम होता था उसके ऊपर पत्नी को भी बिठा दिया जाता था कि मैं तुम भी जाके बैठ जाओ पति मर गया तो तुम्हारा भी मर जीने का क्या मतलब है यहां पे ठीक है तो अब इसमें क्या होता था कि इस इस केस में क्या होता है कि भाई एक जब सती प्रैक्टिस चलती थी तो एक पति है उसकी चिता रखी हुई है वो लेटा हुआ है उसको जलाने के लिए जा रहे हैं उसका क्रियाकर्म करने के लिए जा रहे हैं ठीक है एक महिला जो है वो चलती उसकी जो पत्नी है वो चलते हुए आ रही है ठीक वो वो तो 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 महिला सती करने के लिए जा रही है यानी कि अपने पति की चिता की तरफ बढ़ रही है उस पर जाके बैठने के लिए ताकि उसको भी साथ में जला दिया जाए ठीक है अब जब वो महिला चलते हुए आ रही है तो साइड से जो गांव वाले हैं वो कह रहे हैं रा, राम 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 दब अब इससे क्या हो रहा है कि कोई उस महिला को रोक नहीं रहा ठीक है वो महिला जो कर रही है तुम उस पर सारे बोल रहे हो राम 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 तो अब इससे क्या हो रहा है महिला को यहाँ पे लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है तो महिला को और यहाँ पे हौसला मिल रहा है महिला को और यहाँ पे ताकत जो है वो मिल रही है महिला को और ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ यहाँ पे तो क्वीन वर्सेस मोहित के केस में कोर्ट ने क्या बोला कोर्ट ने बोला कि ये जितने लोग साइड में खड़े होके राम 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 कर रहे थे ना या महिला को एक तरीके से शाबाशी दे रहे थे उसका हौसला यहां पे बढ़ा रहे थे कि यहाँ जाके बैठ जा तुम जो कर रही हो वो अच्छा है ये हौसला बढ़ाना भी क्या होता है इसको भी क्या बोला जाता है इसको अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन यहाँ पे बोला जाता है तो क्वीन वर्सेस मोहित के, के केस में क्या होता है कि द हु फॉलोड अ वुमेन एक महिला जो सती होने जा रही थी अपने पति के साथ जो लोग उस महिला को उसके पीछे फॉलो करते हुए जा रहे थे वो चलते हुए जा रही है तुम उसके पीछे चलते हुए राम राम बोलते हुए जा रहे हो ठीक है और राम राम बोलते बोलते महिला को क्या आ रहा है और हौसला आ रहा है उसको और उसको और प्रोवोक कर रहे हो ना तुम यहाँ पे महिला को लग रहा है कि वो जो कर रही है वो यहाँ पे सही कर रही है तो इसके बाद महिला अगर वहां पे जाके बैठ जाती है ठीक है तो एक तरीके से क्या हुआ ये तो आत्महत्या हो गई सुसाइड कमिट करना हो गया तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि तुमने क्या किया है तुमने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यहाँ पे कमिट किया है क्योंकि तुमने यहाँ पे राम राम बोल के महिला के एक्ट को अप्रूव कर दिया और तुम्हारे राम राम बोलने से यहां पे क्या हुआ महिला को इंकरेजमेंट आ गया महिला को यहां पे हौसला आ गया कि हां मैं तो सही काम कर रही हूं मुझे जाके बैठ ही जाना चाहिए पति की चिता के ऊपर तो ये एक तरीका क्या हो जाता है ये एक तरीका हो जाता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का ठीक है

कोई भी सहारा देते हो कोई भी असिस्टेंस अगर आप करते हो किसी भी तरीके से अगर आप उसकी मदद करते हो यहां पे कोई भी गलत काम करने के लिए या कोई भी एक्ट करने के लिए ठीक है अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल है ठीक है एग्जांपल ये है कि बी नाम का एक पर्सन है है ना बी नाम का एक पर्सन है और इसके दो साथ इसके साथ खड़े हुए हैं ए और सी तो ए जो है वो अब अब ये सवाल आपको मुझे बताना है ठीक है ए जो है वो बी को बोल रहा है मारो 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 तो मतलब वो बी को यहां पे बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए डी का मर्डर कर देना चाहिए ठीक है ने दे दिया कि तुझे यहां पे डी को मार देना चाहिए अब मुझे यहां पे बताओ कि ए ने यहां पे बी को किस तरीके से अबेट किया है कौन सा वाला टाइप होगा यह इंस्टिगेशन होगा ये कॉन्स्पेरे होगी या फिर यह इंटेंशनल uh, एडिंग होगा ए का पूछ रही हूं मैं नॉट सी आई एम आस्किंग अबाउट ए ए बी को कह रहा है मारो 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 तो ये कौन सा तरीका हुआ एब्सल्यूटली करेक्ट ये हुआ इंस्टिगेशन क्योंकि यहां पे आप सामने वाले को प्रोवोक कर रहे हो ना आप किसी को हौसला दे रहे हो ठीक है आप किसी को जो है यहां पर उसका इंकरेजमेंट बढ़ा रहे हो तुम उसको उकसाने की कोशिश कर रहे हो मारो 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 इस तरीके से जाके ठीक है तो ए यहां पे क्या है ए यहाँ पे अबेटमेंट बाय के लिए लाइबल है ठीक है सी कौन से वाले के लिए लाइबल है सी कौन से वाले के लिए लाइबल है सी ने कौन से टाइप का अबेटमेंट किया है सी ने इंस्टिगेशन किया है सी ने एडिंग की है यहां पर या फिर सी ने कॉन्स्पिरसी की है करेक्ट तो सी ने यहां पे एड किया है तुमने मदद की ना तुमने किसी को सपोर्ट किया तुमने किसी का जो है उसको एक तरीके से आपने ऑफेंस यहां पे कमिट किया, uh, किया है ठीक है तो यहां है अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अबेटमेंट बाय जो एड होता है ये दोनों तरीकों से किया जा सकता है अबेटमेंट बाय जो एड होता है ये दोनों तरीकों से किया जा सकता है ये कुछ करके भी किया जा सकता है और ये कुछ ना करके भी किया जा सकता है जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम यहां पे डिस्कस करते हैं सो मान लेते हैं कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो एक मूवी आपने देखी होगी नायक पिक्चर नायक मूवी है अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है नायक मूवी है ना अब नायक मूवी में एक सीन होता है जहां पे मुंबई शहर के अंदर में एक जगह पे दंगे हो रहे हैं ठीक है राइट्स हो रहे हैं है ना अब राइट्स में वहां पे क्या होता है कि भाई पुलिस वाले जो हैं इनको दिख रहा है कि वहां पे राइट्स हो रहे हैं मतलब बसें जलाई जा रही है लोगों को जो है वो मारा पीटा जा रहा है लोगों की जान वगैरह यहाँ पे जा रही है एक आदमी बेचारा सड़क पे पड़े होके मरने की हालत में आ गया है वो जो स्टूडेंट होता है यहाँ पे अब जो पुलिस वाले हैं पुलिस वालों का ऐसे में कायदे में कानून क्या होता है पुलिस वालों का यहाँ पे ऐसे में काम क्या होता है कि भाई तुमको वहां पे जाना है जो दंगे फसाद कर रहे हैं तुमको उनको जाके पकड़ के लेके आना है ठीक है और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर वहां पे तुमको जाके मेंटेन करना है जैसे कि पुलिस वाले अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट में कर रहे हैं ठीक है अब यहां पे पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं पुलिस वाले जो हैं बस वहां पे खड़े हुए हैं पुलिस वाले आर जस्ट लुकिंग एट पीपल ना वो लोगों को पकड़ रहे हैं ना वो लोगों को मरने से यहाँ पे बचा रहे हैं तो अबेटमेंट का रूल ये कहता है कि यहां पे पुलिस वालों ने भी क्या किया है इन्होंने भी यहां पे अबेटमेंट बाय एड किया है अबेटमेंट बाय एड तुमने क्या किया है भाई क्योंकि तुम यहां उन दंगे करने वाले लोगों को तुम पकड़ने के लिए नहीं गए तो तुम्हारे ना पकड़ने से वहां पे क्या हो रहा है उनकी मदद ही तो हो रही है ना ऑफेंस करने में तुम उन्हें इंस्टिगेट तो कर नहीं रहे वहां पे खड़े हो कि हाँ और लोगों को मारो और लोगों को मारो तुमने ये नहीं किया है ठीक है ना तुमने उनके साथ प्लानिंग की है इस इन दंगों को करवाने की लेकिन तुम्हारा कुछ ना करना और वहां तुम्हारा चुपचाप साइलेंस में खड़े रहना और दंगे करने वालों को ना रोकना ये ये क्या हो 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 गया ये भी तो तो उनकी उनकी एक मदद ही ही गई ना उनको ऑफेंस करने के लिए तुम सहारा तो दे रहे हो। उनकी, उनका सपोर्ट ही तो कर रहे हो तो यहां पे अबेटमेंट बाय एट क्या कहता है कि अबेटमेंट बाय एट दोनों तरीके से हो सकता है सामने वाले के लिए कुछ करके भी हो सकता है और तुम्हें जो करना चाहिए जो तुम्हारी लीगल ड्यूटी है अगर तुम उसे नहीं करते हो यानी अगर तुम्हारे पार्ट में ओमिशन होता है तो वो करके भी क्या माना जाता है अबेटमेंट बाय एड यहां पे माना जाता है तो ये एक चीज है जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि अबेटमेंट बाय एड जो है वो दोनों तरीकों से यहां पे हो सकता है वो कमिशन करके भी हो सकता है और वो इलीगल ओमिशन करके भी यहां पे हो सकता है ठीक है क्या ये समझ में आपको आ गया तो ये चीज एक्सप्लेनेशन नंबर टू में आपको यहां पे बताई गई है ठीक है एक्सप्लेनेशन सॉरी हा इसके बाद एक और चीज जो मैंने यहां पे आपको बताई एक्सप्लेनेशन नंबर टू जो है वो आपको किस बारे में बताता है जो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि बाय एडिंग जो है वो दोनों टाइम पे हो सकती है वो ऑफेंस के टाइम पे भी हो सकती है और वो ऑफेंस करने के पहले भी हो सकती है जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां पर आपको दू ठीक है एक और एग्जाम्पल अगर हम यहां पर डिस्कस करते हैं ए एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है ठीक है ए जो है ये ऑलरेडी एक पर्सन है जो कि पहले से शादीशुदा है ये बी नाम की एक महिला से लेडी से जाके क्या कर लेता है मैरिज कर लेता है शादी कर लेता है तो कायदे से यहां पे क्या हो रहा है कायदे से यहां पे हो रही है बायग्यामी अब बाय्यामी करना क्या है तो बायग्यामी करना एक ऑफेंस है यहां पे अब यहां पे एक सवाल यह बनता है कि जो पंडित वहां पर बैठ के इनकी शादी करवा रहा है वो किस चीज के लिए यहां पे लाइबल माना जाएगा तो लॉ ये कहता है कि भाई पंडित यहां पे लाइबल माना जाएगा अबेटमेंट के लिए और कौन से वाले अबेटमेंट के लिए अबेटमेंट बाय एड के लिए ठीक है तुम क्योंकि ना होते अब तुमको पता है कि वो जो दो लोग हैं जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर रहा है पहले पति पहली पत्नी के यहां पर रहते हुए ठीक है तो तुम अगर ना होते तो पति की शादी यहां पर नहीं हो पाती है ना तो तुमने उकसाया तो है मतलब तुमने किसी ना किसी तरीके से अबेटमेंट तो किया है अबेटमेंट का वही लॉजिक मैंने आपको बताया ना कि देश में बहुत सारे ऑफेंस नहीं होते अगर तुम अकेले फंक्शन कर रहे होते तो ए जो है ये शादी नहीं कर पाता ना ये बायगामी नहीं कर पाता अगर इसको पंडित का सपोर्ट ना मिला होता क्योंकि पंडित ही तो शादी करवाएगा अब ये जानते हुए तुमने किसी इंसान की शादी यहां पे करा दी तो ये बन गया अबेटमेंट लेकिन ये कौन सा अबेटमेंट बना तो ये इंस्टिगेशन तो बन नहीं सकता क्योंकि तुमने तो ए के दिमाग में आइडिया डाला है नहीं ना कि हां जा शादी कर ले दूसरी शादी कर ले मैं तेरी शादी कराता हूं चल मैं तेरी शादी कराता हूं तुमने इंस्टिगेशन तो किया नहीं तुमने कॉन्स्पेरेसी भी यहां पे नहीं की है क्योंकि कॉन्सपेरे वुड हैव बीन कि तुम बी के ए के साथ पूरा डिस्कशन वगैरह करते कि हां अपन ऐसे तेरी शादी करवाएंगे अपन ऐसे प्लान कर लेते हैं तो ये क्या हुआ ये अबेटमेंट बाय एड हुआ क्योंकि तुमने जो ऑफेंस करने में मदद की है तुमने शादी करवाई तभी तो शादी हो पाई तो अबेटमेंट बाय एड यहां पे हो गया ठीक है तो अबेटमेंट बाय एड जैसे कि मैंने आपको बताया ध्यान रखना कि ये जो है दोनों तरीकों से आपका किया जा सकता है ये आपका आ, ओमिशन करके भी हो सकता है और ये आपका एड करके भी हो सकता है ठीक है अब यहाँ पे एक सवाल जो कि आपसे स्टूडेंट्स को कई बार यहां पे कंफ्यूज कर देता है देखो अब यहाँ पे भी आपने अबेटमेंट के अंदर में भी आपने यहां पे क्या किया आपने यहां पे कॉन्स्पेरेसी के बारे में पढ़ा

तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पेरे होने के लिए ऑफेंस कमिट होना जरूरी हो जाता है आपका अबेटमेंट करना यहां पे जरूरी हो जाता है लेकिन क्रिमिनल के अंदर में ऑफेंस होना जरूरी नहीं होता है आपने अगर आपस में डिस्कशन भी किया है आपने अगर आपस में अग्रीमेंट भी किया है तो भी वो आपका क्या बन जाएगा वो आपका ऑफेंस जो है वो बन जाएगा अच्छा एक और यहां पर डिफरेंस का पॉइंट आ जाता है डिफरेंस का पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि अबेटमेंट बाय कॉन्सपेरे में जरूरी नहीं है कि सारे लोग मिलकर आपस में एक साथ बैठ के कॉन्स्पिर कर रहे हो ठीक है मान लेते हैं कि ए ने बी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अपन को जो है जाके एक्स पर्सन का मर्डर करना है ठीक है फिर बी ने जाके सी को बताया फिर सी ने जाके डी को बताया अब कर यहां पे चारों के चारों कॉन्स्पिरसी रहे हैं तो ये अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरसी हो रहा है ठीक है लेकिन चारों के चारों साथ में मिलके यहां पे कॉन्स्पिरसी नहीं कर रहे हैं ठीक है वो चारों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते ए सिर्फ बी को जानता है बी सी को जानता है सी यहां पे डी को जानता है लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या जरूरी होता है वो ये जरूरी होता है कि भाई ये चारों के चारों लोगों ने बैठ के एक साथ प्लानिंग करी होनी चाहिए एक साथ यहां पर अग्रीमेंट करा होना चाहिए तब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस यहां पर बनता है तो ये बेसिक डिफरेंस का पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे रीड कॉन्स्पिरेसी दोनों जगहों पे कॉन्स्पिरेसी यहां भी लिखा है और वहां पे भी लिखा है तो एग्जैक्टली exactly दोनों में डिफरेंस क्या होता है हाँ तो देखो यश यहां पर मेन पॉइंट देखो अगर पंडित मना भी कर देता है तो बी बाइगाम तो कर ही नहीं सकता था ना जब तक पंडित कोई ना कोई पंडित अग्री नहीं करता तो जो भी पंडित है मान लो दस पंडितों ने मना कर दिया ग्यारहवे ने अग्री कर लिया ग्यारहवे ने तुमको हाँ कर दी तुम्हारी शादी करवाने के लिए द पॉइंट इज कि तुम्हारी वो जो शादी हो रही है बायमी का ऑफेंस क्यों हो रहा है क्योंकि आपकी शादी हो रही है तो वो शादी अगर ना हुई होती तो बाइगामी तो हुआ ही नहीं होता ना तो ऑफेंस करवाने में शादी करवाने में यहां पे पंडित ने जो है वो मदद की है पंडित को अगर नहीं पता था तो ही बी हेल्ड लाइव क्योंकि फिर तो उसको कहा आइडिया था ठीक है सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडे Uh, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे अबेटमेंट का जहां से कई बार काफी सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं अच्छा खासा लंबा चौड़ा सेक्शन है आपका अबेटमेंट का जिसे हम कल की क्लास में कवर करेंगे नाउ बिफोर आई एंड द क्लास सो जैसे कि मैंने अभी आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि गाइज फर्स्ट ऑफ मार्च से स्टडी आई क्यू जुडिशरी का जो नया लाइफ फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है जहां पे आपको प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में सो so, अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को देन आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू एनरोल इन द बैच सो देखिए तरीका यह है कि आपको गूगल पे जाके टाइप करना है स्टडी आई क्यू जुडिशरी टाइप करके आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करके जो ये सबसे ओके okay, क्या हो गया लिंक वेबसाइट नहीं खुल रही हाँ जो ये सबसे पहला कोर्स आपको दिखाई देगा दिस इज आर लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर अब यहाँ पे प्राइस दिखेगा तो देख के डर मत जाइएगा ठीक है आपको सिर्फ ये करना है कि बायनाओं पे जाना है बायनाव पे, पे कोर्स आपको फोर्टी थाउजेंड का दिखाई देगा ठीक है एड प्रोमो कोड पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में नीचे जाके देखना है एक बॉक्स बना होगा एंटर कूपन कोड तो यहाँ पे जाके टाइप कर दीजिए ए आर जे मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर और इसको अप्लाई कर दो तो अप्लाई करके जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे में पूरा दो साल के लिए आपको बैच मिल जाता है जहां पे प्रिलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा दी जाती है सब कुछ ए टू जेड हर चीज आपको इस बैच में प्रोवाइड की जाती है लाइव क्लासेस डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रिलिम्स और मेन्स के नोट मेन्स की तैयारी जी के करेंट अफेयर लीगल करंट अफेयर लोकल लॉस तो बेसिकली प्रिलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस बैच में यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है सो बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ मार्च से अगर आपको ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लो बाकी सेशन अगर आपको अच्छा लगा डू लाइक इट डू शेयर इट एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो आईल सी यू गाइस सून तब तक के लिए टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय